अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफा, जुलेखाज किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, मैं भी ठीक हूँ। काफी दिनों बाद मैंने सोचा कि मैं ग्रेवी बनाऊं, तो मेन ये है कि कौन सी ग्रेवी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन कश्मीरी ग्रेवी। बहुत ही मजेदार बनती है और बहुत ही ईजी है, तो चलिए बनाते हैं साधारण यानी कि ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना। चलिए, ये है 750 ग्राम चिकन। चर्बी निकाल लिए, 2-3 पानी से धो लिया। अच्छा, मेरी चिकन है ना बहुत बड़ी थी, तो इसके लिए पीसेस भी बड़े थे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि मैं छुरी की मदद से इस तरीके से पोक कर रही हूँ, तो क्या मसाला या जो भी मैं अभी मैरिनेट करूँगी तो वो अंदर तक जाएगा। अगर आपकी छोटी मुर्गी हो तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन में डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे ये ज्यादा स्पाइसी वाला नहीं है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 2 छोटी चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने के लिए 1/2-1 घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। वैसे ये 8-10 काजू हैं, इससे मैंने थोड़ा सा पानी डालकर साइड पर रखा है और अभी मैं पीस लेती हूँ। चलिए, 1 घंटा मैरिनेट होके हो चुका है, तो एक कढ़ाई या पतीली के अंदर अच्छे से तेल डालिए। उसमें ये जो मैरिनेटेड हमारी चिकन है ये इस तरीके से नीचे लगा दीजिए, बिछा दीजिए इन्हें, और इन्हें मीडियम आंच कर दीजिए और मीडियम आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकने दीजिए। इसी तरीके से 4-5 मिनट हो जाए तो इन सारों को पलट दीजिए और पीछे के साइड भी 4-5 मिनट पका लीजिए। टोटली समझिए ना, तकरीबन 8 से 10 मिनट हो जाएंगी दोनों ओर से पका के, और अच्छे गोल्डन स्पॉट्स आने लगे तो आप इन्हें निकाल लीजिए एक एक करके चिमटे की मदद से। अच्छा, गोल्डन स्पॉट्स लीजिएगा सो दैट अच्छा टेस्ट बेहतर आएगा, ठीक है ना। अब मैं इनको सारों को निकाल लेती हूँ, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और गोल्डन स्पॉट्स भी आ गए हैं। अच्छा, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, मेरी नॉनस्टिक नहीं है, जो साइड से जो हल्का हल्का चिटका हुआ है ना वो पूरा लेके मैं उसे स्क्रैप करके ये जो चिकन जो हमने फ्राई करके रखी मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। आगे जाके मैं ग्रेवी में डालूंगी तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। अगर आपका नॉनस्टिक है, अगर पतीली, तो ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं। कढ़ाई का जो चूल्हा है फिर से फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए 3 मीडियम साइज छुंदा कटी हुई प्याज, और इसे चूल्हा फास्ट आंच पर रख कर ये थोड़ा सा मैं तेल और ऊपर से डाल रही हूँ, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, और ये प्याज को बार बार चलाते रहें और आप फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये कलर चेंज होना शुरू नहीं हो जाती। अच्छा, तकरीबन 1 मिनट हो जाता है ना, तो इसमें अब डाल दीजिए 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1 सूखी हुई लाल मिर्च। मैंने अभी जब तेल गर्म पे रखा था अभी सेकेंड टाइम, तब मैंने स्टार्ट में नहीं डाला, पहले प्याज डालने के मैंने बाद डाला है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्याज फ्राई होती जाएगी ना, ये देखिए नीचे से मसाला जो लगा हुआ सारा छूटता जाएगा। चलिए, प्याज कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो यहाँ मैं 2 मीडियम साइज टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ और ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालकर इन दोनों चीज़ों को मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को और फ्राई कीजिए। तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई कीजिए, या तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये हमारा टमाटर अच्छा नम नहीं हो जाते। नमक भी डाल दिया मैंने थोड़ा स्वाद अनुसार, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। नमक डालने से क्या जल्दी टमाटर गल जाते हैं। जब टमाटर अच्छे भून जाएं, ये देखिए 3-4 मिनट में तो आराम से भून जाएंगे। चूल्हा मैंने कर दिया स्लो आंच और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भर के डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 1 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटे चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कि जले हुए नहीं। हाँ, चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं अब हम। और जब मिक्स हो जाती है तो अब आपने क्या करना है, इसे भूनना है। आप चाहे तो मीडियम आंच पर भून सकते हैं, थोड़ा सा और पानी डालकर तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, या फिर मेरी तरह क्या कीजिए, मैं फिर से 1/4 कप थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ और इसे स्लो आंच करके ढक के इसे पकने दूंगी 3-4 मिनट में, तो तेल ऊपर छूटे आएगा। ये देखिए 4-5 मिनट हो गए, तेल ऊपर आ गया ना। अब फिर से मैं 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ और दूसरी बार इसे फिर से मैं मसाला भूनने के लिए रख देती हूँ।
तो 1/4 कप पानी डालकर मिक्स कर इसे फिर से मैं ढक कर 3-4 मिनट के लिए पकने रहने देती हूँ। आप चाहे तो एक बार मसाला भुनिए या मेरी तरह दो बार भुनिए या दोनों बार मीडियम आंच पर ही भुनिएगा। चलिए ये देखिए दूसरी बार भी 3-4 मिनट के बाद तेल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चूल्हा फास्ट आंच पर कर देती हूँ और 1/3 कप जितना है ना दही लेकर उस वो डाल दीजिए और बहुत अच्छे से कंटिन्यूस मिक्स कीजिए। कंटिन्यूस एक मिनट तक मिक्स कीजिए कि फटे ना। जब एक मिनट हो जाती है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तब तक आप चाहें तो बिना ढाके मीडियम आंच पर पका सकते हैं। मैं स्लो पर ढक कर पका रही हूँ। 4-5 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, अच्छे से दही भून चुकी है। तो अब यहाँ साइड पर सबसे स्टार्ट में मैंने पीस के रखा था काजू का पेस्ट बना के रखा था, ये डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते रहें और तकरीबन 1.5 मिनट तक पकने दें। 1-1.5 मिनट तक जब आप अच्छे से पका लें उसके बाद मैं ना 1 कप दूध डाल रही हूँ और उसके साथ साथ मैं 1/2 कप पानी भी डाल रही हूँ और इसे मिक्स कीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा अब यहाँ ये है कि आप चाहें तो पूरी तरीके से 1 कप जितना रखें दूध चाहे या फिर आप चाहें तो 1 कप जितना पानी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ 1.5 कप डाला है टोटल, 1 कप दूध और 1/2 कप पानी। आप चाहें तो पूरी तरीके से दूध लें, आप चाहें तो पूरी तरीके से पानी भी ले सकते हैं। ये देखिए एक उबाल आ चुका है तो मैं यहाँ ना नमक चख लेती हूँ, हल्का सा नमक भी एडजस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और बहुत अच्छे से एक उबाल आ जाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी चिकन डाल दीजिए। और हाँ, जो भी मसाला चिटका हुआ हो आपके बर्तन के अंदर वो भी पूरा अच्छे से डाल दीजिएगा जिसमें आपने चिकन रखा था। मैंने स्लो किया, आपने देखा ना। अब ये सारी चिकन डालने के बाद मिक्स कीजिए और चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और इसमें चलाते रहिए और इसमें एक हल्का उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा मुझे ग्रेवी थोड़ी सी कम लग रही, आपको सही लग रही कोई बात नहीं, मुझे कम लग रही तो मैं 1/2 कप है ना पानी डाल रही हूँ और 1/2 कप पानी डालकर इसमें एक उबाल खिला लेती हूँ। आप तब भी चाहे नमक फिर से एडजस्ट करना चाहे तो थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर लीजिए। पानी डालने के बाद एक उबाल आ जाता है तो मैं इसे स्लो करके ढक कर धीमी आंच पर तकरीबन समझे ना 15-20 मिनट तक पकने दे देती हूँ। क्योंकि हमारी चिकन वैसे तो बाहर से आपने देखा गल चुकी है थोड़ी बहुत, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत बाकी है अंदर से वो गलेगी। पंद्रह से बीस मिनट के दरमियान में हो चुके हैं, खोलकर चेक कर लेती हूँ मैं। 15-17 मिनट हो चुके हैं, देखिए ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। चिकन चेक कर लीजिए, मुझे देखने से ही लग रही है परफेक्टली हो चुकी है। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, आधी छोटी चाय की चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल देती हूँ, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ और ये देखिए बन गया हमारा बढ़िया सा कश्मीरी चिकन कश्मीरी मसाला ग्रेवी। ये देखिए क्या मज़ेदार लग रहा है ना। अच्छा अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी लग रही है आप चूल्हा फास्ट आंच या मीडियम आंच करके पानी सुखा लीजिए। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही तो आप क्या कीजिए, 1/4 या 1/2 कप पानी को साइड पर गर्म कर लीजिए। अच्छा खौलते हुए पानी को गर्म करने के बाद इसमें डालकर एक उबाल खिला लीजिए सालन को और जब उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके 3-4 मिनट पकने दीजिए क्योंकि ग्रेवी भी पकनी चाहिए। चलिए ये हो चुका है हमारा, तो चलिए ये हमारा बन चुका है। क्या था ये, चिकन कश्मीरी मसाला ग्रेवी, बहुत ही मजेदार बनी है। इजी तो है ही, झटपट बन जाती है घर पर। अच्छा मैं तो इसे रोटी के साथ खा रही हूँ, आप चाहे तो पराठा बटर नान रुमाली रोटी या फिर लच्छा पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है ऑलरेडी, लिंक सारे आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। एंजॉय कीजिए, बनाए मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में शेयर भी कीजिएगा कि आप अगर बना रहे हो आपको कैसी लग रही है, फीडबैक दीजिए मुझे। चलिए अब मैंने बना तो ली है, अब मैं टेस्ट भी करके तो दिखा दूं कि भाई कैसी बनी है, मैं भी तो बताऊं आपको इंस्टेंट रिएक्शन मेरा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजेदार, मतलब आउटस्टैंडिंग है। इतने सिंपल मसालों से आपने देखा कितनी झटपट और बढ़िया सी ग्रेवी बन गई और हमारे जो नॉर्मल रेगुलर सालन रहता है उससे काफी अलग है। अच्छा मैं चिकन भी तो खा के देखूं कैसी लग रही है। बहुत ही मजेदार, क्योंकि हमने जो इसे मसाला लगा के फिर फ्राई किया है तो वो जो एक
मसाले का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आ रहा है। सो अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाए तो आपको पता है क्या करना है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए फीडबैक, और आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे लाइक कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में, और शेयर कीजिए मेरे ये लिंक्स। और हाँ बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। मैं तो फटाफट खा रही हूँ, इंजॉय करूंगी, अल्लाह हाफिज।